विक्रम सिंह सौ, कोर्ट ने कहा 2015 में भी और अभी दो दिन पहले भी कि 0.001% भी अगर नेग्लिजेंस है, गड़बड़ है, तो सख्ती से निपटा जाना चाहिए। 2015 में कहा था कि अगर एक भी बच्चे ने गड़बड़ की है, गड़बड़ी से परीक्षा दी है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ये क्या इंटेंशन है सरकार की कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होगी, नीट की नहीं होगी, बावजूद कि इतने सारे कबूलनामे। गरिमा जी, जो सुप्रीम कोर्ट की जो घोषणा 2015 की है वो सर्वमान्य है और उसका निष्ठापूर्वक अनुपालन होना चाहिए। माननीय मंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे कम मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि उसमें वही सब पुरानी बातों को दोहराया गया है, इसमें कोई नयापन नहीं है और कोई बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने वाली बात प्रकाश में नहीं आई है। क्योंकि अगर आप इम्तिहान, वो भी जो कि पूरी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज्ड इम्तिहान है, उसको रद्द नहीं करेंगे और कोई ना कोई आड़ लेकर के, किसी की आड़ लेकर के आप उसी इम्तिहान को रखेंगे, इसका मतलब है जो नहीं। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। स्वार्थ थे जो नकलचियों का गैंग था, उनके हितों की आपूर्ति हो गई, उनका जो योजना थी उनकी कार्य योजना सफल हो गई। क्योंकि अगर हम इस एग्जाम को रद्द नहीं करेंगे और कुछ बच्चों की आड़ और उनके कंधे पे बंदूक रख करके हम अपनी मनमानी करते रहे, तो फिर आपने समाधान क्या दिया? समाधान तो ये होता कि जो ग्रेस मार्क्स थे, चलिए उसका समाधान हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया। लेकिन जो एक पूरी विषाक्त वातावरण में इम्तिहान हुआ है उसको प्रचलित करना, और जो हमारे डायलॉग थे, हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, दोषियों के अगर आप नहीं छोड़ते तो पहले कार्रवाई करके दिखाते। अच्छा सर, इस बात के बाबत आपकी समझ क्या कहती है कि यूजीसी की परीक्षा नेट की, जो एनटीए ही ऑर्गेनाइज कराता है, 18 को परीक्षा हुई, 19 को एग्जाम रद्द हो गया, सीबीआई को इंक्वायरी दे दी क्योंकि इनपुट मिले कि गड़बड़ी हो सकता है हुई हो, लेकिन नीट को लेकर ये डलमा, ये दुविधा क्यों है? क्या कहती है आपकी समझ? गरिमा जी, नेट इम्तिहान भी कोई हल्का फुल्का इम्तिहान नहीं था, 12 लाख बच्चे बच्चियां बैठे थे, इनफैक्ट बच्चियां ज्यादा थी। हाँ। और उसके इम्तिहान के पेपर होने के बाद आपने कैंसिल किया। हाँ। ये बात दूसरी है कि परिणाम आने के पहले कर दिया। हाँ। लेकिन जो एक विषाक्त वातावरण था, तो उस हिसाब से तो नीट को भी आपको कैंसिल कर देना चाहिए। क्या डिलेमा है? क्योंकि ये और ज्यादा क्या दुविधा है? डिलेमा, देखिए मैं अपनी चुत बुद्धि से बताता हूं, मैं कोई बहुत बुद्धिजीवी नहीं हूं। जो पुलिस का प्रशिक्षण कहता है कि आपके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आप बराबर के हिस्सेदार हैं, इसीलिए आप नहीं कर रहे हैं। और बराबरी की ये जो हिस्सेदारी है ना, ये आपको मजबूर कर रही है उनको, जो कि इससे संलिप्त है, उनको बचाने के लिए। आप चट्टान की तरह खड़े क्यों हैं? आप अपने को दूर कीजिए, कहिए दोबारा इम्तिहान हो जाएगा। जैसे आप नेट का कर रहे हैं तो नीट का भी कर दीजिए, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि इसका स्टेक करीमा जी बहुत बड़ा है। इसमें जो हजारों सैकड़ों करोड़ की बातें हो रही है, मैं विश्वास नहीं करना चाहूं, लेकिन अब तो इस तरह के घटनाक्रम होगा तो मैं समझता हूं कि हर चिंतनशील व्यक्ति यही समझेगा कि स्टेक्स इतने हाई है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति सामर्थ्य नहीं है और नैतिक सामर्थ्य है कि आप इसको कैंसिल कर सके। श्रवण, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए क्या? बहुत छोटा सा ये जितना प्राइमा फेसाई सब दिख रहा है, आपको क्या लगता है, कैंसिलेशन जरूरी है इस एग्जाम का? वो जो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 0.001% भी अगर गड़बड़ी है। हेलो सर, एब्सोल्युटली ऑडिबल। या थैंक्स सर, एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग दैट। या द थिंग इज, इसी केस में हमने पहले से बोल रहे हैं, एक सीबीआई का जज सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम पर सीबीआई इंक्वायरी किया तो वो ठीक नहीं होगा। बट हमारा मांग है कि सेम अभी क्या डिसीजन लिया वो जैसा नीट यूजी में भी एक सीबीआई इंक्वायरी कर लीजिए तुरंत, इन केस एनी डिस्क्रिपेंसीज फाइंड किया तो तुरंत एक्शन लेना ही है, उसी में कुछ डाउट नहीं है। एज वी आर साइटिंग द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो एक्शन लेना जरूरी है। घनश्याम तिवारी।